हे गाइस, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑलवेज न्यू की एक और फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हॉलीवुड की 10 अडल्ट फिल्मों के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जिन 10 अडल्ट फिल्मों के बारे में बताऊंगा, ये 10 की 10 फिल्में आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर मिल जाएंगी। अगर आप अमेजोन प्राइम यूज़ करते हो तो आप इन फिल्मों को वहाँ से जाकर भी देख सकते हो। तो गाइस, वीडियो पर आगे तक बने रहना। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है टू नाइट स्टैंड। दोस्तों, ये मूवी 2014 में आई थी, एक रोमांस कॉमेडी मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 आवर 26 मिनट। इस मूवी को रोटेन टोमेटोज की तरफ से 38% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 6.4 की रैंक मिली हुई है। इस फिल्म की स्टोरी टू लवर्स के ऊपर है। अगर आपको रोमांस फिल्म देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको काफ़ी पसंद आएगी। इस फिल्म का बजट था $16.4 लाख और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्ट किए $8.68 लाख। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आती है हर कंपोजिशन। दोस्तों, मूवी 2015 में आई थी, एक ड्रामा फैंटेसी मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 आवर 37 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 100 में से 100 की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 5.4 की रैंक मिली हुई है। इस फिल्म की स्टोरी एक म्यूजिक स्टूडेंट के ऊपर है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है अनटोल्ड सेंट्रल। दोस्तों, मूवी 2003 में आई थी, एक रोमांस मेलोड्रामा मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 2 आवर 14 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 87% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 6.9 की रैंक मिली हुई है। ये एक कोरियन मूवी है और इस फिल्म में 18th सेंचुरी की स्टोरी को दिखाया है। इस मूवी का बजट था $50 लाख। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्ट किए $57.6 लाख। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आती है गुड डिग। दोस्तों, मूवी 2008 में आई थी, ये एक रोमांस मूवी है और आपको फिल्म के नाम से पता चल गया होगा कि अडल्ट मूवी है। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 50% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 6.4 की रैंक मिली हुई है। इस फिल्म की स्टोरी जेसन रिटर, वीडियो स्टोर क्लर्क और मारियाना के ऊपर है। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर आती है दी फर्स्ट टाइम। दोस्तों, ये मूवी 2012 में आई थी, एक रोमांस कॉमेडी मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 आवर 38 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 47% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 6.8 की रैंक मिली हुई है। इस फिल्म में डायलन ओब्रायन और ब्रिट रॉबर्टसन एक पार्टी में मिलते हैं जहाँ से उनकी लव स्टोरी शुरू होती है। अगर आपको लव से रिलेटेड फिल्म देखना पसंद है तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखना। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है दी लवर। दोस्तों, मूवी 1992 में आई थी, एक रोमांस ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 आवर 55 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटो की तरफ से 32% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 6.2 की रैंक मिली हुई है। इस फिल्म में 1920 की स्टोरी को दिखाया है और इस फिल्म की कास्ट में है जेन मार्च। इस लिस्ट में 4वें नंबर पर आती है ब्लैक स्नेक मून। दोस्तों, ये मूवी 2006 में आई थी, एक ड्रामा म्यूजिक मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 आवर 57 मिनट और इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 66% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 6.9 की रैंक मिली हुई है। इस फिल्म की कास्ट में है सैमुअल जैक्सन और इस मूवी का बजट था $1.5 करोड़। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्ट किए $1.09 करोड़। इस लिस्ट में 30वें नंबर पर आती है अंडर द सिल्वर लेक। दोस्तों, मूवी 2018 में आई थी, एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 2 आवर 20 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 59% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 6.5 की रैंक मिली हुई है। इस फिल्म में सैम को अपने अपार्टमेंट के स्विमिंग पूल में एक मिस्ट्री वूमेन सारा मिलती है, लेकिन एक दिन सारा गायब हो जाती है। अब सैम उसे कैसे ढूंढती है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $19 लाख। इस लिस्ट में 2वें नंबर पर आती है फेटल अट्रैक्शन। दोस्तों, मूवी 1987 में आई थी, एक थ्रिलर ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 आवर 59 मिनट और इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 76% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से 6.9 की रैंक मिली हुई है। इस फिल्म में एक विवाहित वकील डैन गैलागर का अलेक्स के साथ अफेयर चलता रहता है। अब इसके बाद इस फिल्म में क्या होता है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। इस मूवी का बजट था $1.4 करोड़ और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्ट किए $32.01 करोड़। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है दी हैंडमेडन। दोस्तों, मूवी 2016 में आई थी, एक रोमांस ड्रामा मूवी है। इस मूवी का रनिंग टाइम है 2 आवर 48 मिनट। इस मूवी को रोटन टोमेटोज की तरफ से 95% की रैंक मिली हुई है और IMDb की तरफ से
8.1 की रैंक मिली हुई है। दोस्तों जहाँ पर भी अडल्ट फिल्मों की बात होती है इस फिल्म का नाम जरूर आता है। अगर आपको एक अडल्ट मूवी देखनी है तो आप इस फिल्म को जरूर देखना। ये एक कोरियन मूवी है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $3.86 करोड़। तो ये थी हमारी 10 अडल्ट मूवी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर फिल्मों से और सेलिब्रिटी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।